चलो बाकी जानकारी छोड़ते हैं, देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर उनको मिलता क्या है। तो सबसे अच्छा पैकेजिंग भाई इसका काफ़ी अच्छा है, पैकेजिंग देख रहे हो प्रीमियम बॉक्स आता है इसमें। बॉक्स खोलने के बाद मैं पहली बार खुद देख रहा हूँ, ये देखो सामने हमको दिख जाता है अपना GoPro यानी कि डिजिटेक वाला। क्या राहुल, तो चलो पीछे चलते हैं। आगे अच्छे दिलाल। देखो विकास भी आ रहा है। अरे भाई उसके बिना हम लोग का मौसम जो है ना, मतलब एकजुट नहीं हो पाता है, दम अलग अलग रहते हैं। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ब्लॉगर अंकित। तो गाइस यार अभी दोपहर के बज रहे हैं, मतलब अभी दोपहर होने वाला है और अभी बज रहे 11। मैं नहा धो के हुआ हूँ तैयार और कुछ दिन में एक नया पार्सल आने वाला है मेरा, यानी कि आपको दूंगा मैं एक सरप्राइज़। वो पार्सल क्या है आने के बाद ही मैं बताऊँगा। जस्ट मैंने अभी फ्लिपकार्ट वाले को कॉल किया तो उसने बताया कि मैं भाई आपके पास 5 से 10 मिनट में आ जाऊँगा। तो कोई नहीं, भैया है नहीं घर पर और पापा जी भी नहीं है, तो चलो नीचे दुकान में चलते हैं। भाई सुबह से काफ़ी ज़्यादा आज उनको काम था, दुकान वकान साफ़ करना, तो दुकान साफ़ करने के बाद वहाँ तैनात हमको 11 बजे तक। वैसे भी हमको 11 बज जाता है क्योंकि मैं सो के उठता ही हूँ 10-11 बजे, अभी कोई काम है नहीं, क्लास व्लास जा नहीं रहे। तो फ्लिपकार्ट वाला देखो कब आता है, अभी मैं आ गया हूँ नीचे। और देखो सुबह सुबह साफ़ सफाई करके ना पानी वाने पूरा इधर डाल दिया था, तो दुकान बैठते और पार्सल वाले का इंतजार करते। मस्त एकदम नया पार्सल दिखने वाला आपको, और वो पार्सल व्लॉग से रिलेटेड होने वाला है। इतना मैं बता दूँ, वो पार्सल जो है व्लॉग के लिए मैंने मंगवाया है, क्योंकि भाई काफ़ी दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था उसको मंगवाने के लिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है मैंने लिया और ज़्यादा सस्ता भी नहीं लिया, एक अच्छा खासा चीज़ है। तो वो आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग, एकदम मस्त और अच्छा चीज़ है। आप लोग कमेंट करना कि कैसा लगा आपको। यार देखो फाइनली पार्सल वाले भैया आ रहे हैं, यानी कि मेरा पार्सल आ गया और मैं काफ़ी खुश हूँ। भाई साहब पार्सल को देख के मैं इंतज़ार कर ही रहा था और ये काफ़ी देर बाद आए। गाइस फाइनली पार्सल रिसीव हो गया और पार्सल काफ़ी बड़े बॉक्स में, देख के तो मैं काफ़ी खुश हो रहा हूँ यार। तो पहले ये क्लास के 4 अंक क्या, मोबाइल नंबर क्लास के 4 अंक 81-29-0173 0173। तो पार्सल अभी ओपन होगा, मैं काफ़ी खुश हुआ यार भाई साहब पार्सल को देख के। अनबॉक्स हो रहा है क्योंकि भाई ये अभी फ्लिपकार्ट जो है ओपन बॉक्स डिलीवरी दे रही है स्कैम के कारण, ओपन बॉक्स डिलीवरी है। और ये देखो पार्सल हमारा, भाई साहब इतना बड़ा बॉक्स में इतना छोटा सा पार्सल आया है, डिजिटेक का GoCam। तो अब मैं बता दूं कि मैंने एक GoPro ऑर्डर किया है, GoPro भाई उसका जो है मतलब ओरिजिनल GoPro अगर मंगवाओ तो कम से कम 30-32 हज़ार लगने वाले हैं। और जहाँ तक रही सेकेंड हैंड की बात, तो मैंने OLX पे देखा भी था तो वो अच्छा था नहीं, मतलब जो भी उसके बारे में बताओ भाई 12-15 हज़ार लग जा रहे थे, और कैसा था 2-2.5 साल पुराना था। तो उससे अच्छा है कि सस्ता में सबसे अच्छा कैमरा ले लो डिजिटेक का। इसका रिंग लाइट मैंने रखा है, रिंग लाइट काफ़ी अच्छा यूज़ था इसका, तो सोचा कि चलो कोई नहीं अभी मंगवा लेते हैं, जो भी यूज़ है वो तो कम्प्लीट धीरे धीरे होते रहेगा। और भैया ये पार्सल खुद खोल दें, उसके बाद ये चेक होगा और फिर मैं आपको अच्छे से अनबॉक्स करके दिखाऊंगा कि कैसा है पार्सल, तब तक मैं जो है ना देख लेता हूँ उसको। और मस्त एकदम देख लो, तो गाइस यार अभी मैंने आपको बताया कि मैंने एक नया पार्सल मंगवाया था, तो चलो कोई नहीं डायरेक्ट क्लियर में बता दूं कि भाई आपने पहले वीडियो में देख लिया कि मैंने GoPro मंगवाया था डिजिटेक का। तो ये रहा उसका पैकेजिंग, अभी उसने जो है मतलब फ्लिपकार्ट वाले ने पैकेजिंग अच्छे से खोल गए अपने फोटो के लिए, वो फोटो करके जो ओपन बॉक्स डिलीवरी था तो वो कंप्लीट हो गया, बट इसको अभी तक हम खोल के देखे रहे नहीं। राहुल को बुलाए उसके सामने, अभी हम बॉक्स खोल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ से बॉक्स ओपन करते हैं, तो उसके बाद ना बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स हमको मिल जाता है और उस पर भी GoCam लिखा हुआ है कैप्चर। तो कुछ बॉक्स इसका जो है ऐसा है और इसके अंदर देखते हैं फाइनल कैमरा जो हमारा इसके अंदर रहने वाला है। और बात कर ले स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें हमको क्या क्या मिलता है, माइक्रो HDMI केबल, एक टाइप सी माइक हैंडल माउंट, बैक क्लिप, एक बकल माउंट, इसके बाद एक यूनिवर्सल अडेप्टर, हेलमेट माउंट, फिर एक और माउंट मिलता है हेलमेट के लिए, इस पर 3M का 2 टेप मिलता है, टाइप सी चार्जिंग केबल मिलता है, मैनुअल मिलता है, एक बैंडेज लिखा हुआ है क्या है हमको पता ही नहीं, और इसमें 2 बैटरीज मिलता है। सबसे अच्छी बात इसमें कि भाई इसमें 2 बैटरी मिलता है और 35-36 हज़ार का GoPro लेने पे उस पर एक ही बैटरी मिलता है और बैटरी अलग से लेना पड़ता है। तो उतना मेरा बजट था नहीं, मैंने सोचा कि सस्ता मंगवाओ, सबसे अच्छा अभी तक चलेगा जब तक काम हो रहा है, काम करने से मतलब है। और एक वाटरप्रूफ इसमें हमको माउंट मिल जाता है। तो इसके अंदर ये रहा बॉक्स के अंदर जो है यही चीज़ मिलने वाले हमको। और इसमें जो है 24 मेगापिक्सल का कैमरा है और 48 मेगापिक्सल भी लिखा हुआ है, इसके बारे में हमको कुछ पता है नहीं, ज़्यादा जानकारी मैं दे नहीं पाऊँगा। और वाटरप्रूफ भी है 30 मीटर के लिए, 128 GB तक ये जो है मतलब PF कार्ड सपोर्ट करेगा, मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है और इसमें गिम्बल भी है। तो चलो बाकी जानकारी छोड़ते हैं, देख लेते हैं कि बॉक्स के अंदर उनको मिलता क्या है। तो सबसे अच्छा पैकेजिंग भाई इसका काफ़ी अच्छा है, पैकेजिंग देख रहे हो प्रीमियम बॉक्स आता है इसमें,
बॉक्स खोलने के बाद मैं पहली बार खुद देख रहा हूँ। ये देखो, सामने हमको दिख जाता है अपना GoPro यानी कि डिजिटेक वाला। इसको भी रखते हैं और देख लेते हैं ये बैटरी, पहला बैटरी, ये माउंट, माउंट काफ़ी हैवी है, ये हेलमेट माउंट, और ये उसको कसने वाला जो भी है, और ये हैंडल माउंट है। ये कौन सा माउंट है इसके बारे में हमको पता है नहीं। आप लोग को अगर पता है तो कमेंट करके बताना। ये बस ऊपर से शायद कवर है, ऐसे ही अगर हैंडल माउंट के लिए होगा शायद, वाटर प्रूफ अगर नहीं यूज़ करना है तब। ये एक चीज़, और भाई साहब एक बैटरी शायद इसमें लगा हुआ है, क्योंकि बैटरी यहाँ पे एक्स्ट्रा एक ही है, शायद से एक बैटरी इसमें लगा हुआ है। अभी खोल के देखे हैं नहीं। ये बैंडेज, ये टाइप सी HDMI केबल, माइक्रो HDMI केबल, ये कुछ 3M का टेप, ये डॉक्यूमेंटेशन, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं तो कैमरा ऐसे ऑन कर लूँगा। एक टाइप सी चार्जिंग केबल और एक टाइप सी माइक। सबसे अच्छा चीज़ हमको ये लगा कि माइक इसके अंदर मिलता है। भाई साहब एक तो मंगवा लो कोई कैमरा, मैंने एक बार SJCAM का मंगवाया था भाई, उसमें माइक का इतना झंझट हो चुका था ना, माइक ही नहीं मार्केट में मिल रहा था। तो वाटरप्रूफ केसिंग में ये पैक हो गया था, तो वाटरप्रूफ केस खुलता कैसे है, इसमें देखो हैंडल माउंट के साथ में लगा हुआ है, और वाटरप्रूफ माउंट कहाँ तक रही खुलने की बात। हाँ, काफ़ी टाइटली पैक है और कैमरा काफ़ी कॉम्पैक्ट है। ये देखो माउंट जो बड़ा इतना लग रहा था, बट माउंट से निकालने के बाद कैमरा जो एकदम कॉम्पैक्ट लग रहा है, तब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तब तक इसको ऑन करके इसका वीडियो फोटोज जो है ना, मैं बाद में आपको दिखा दूंगा, वीडियो में अटैच कर दूंगा कि वीडियो कैसा बनता है इससे। फिलहाल अभी इसको ऑन कर लूँगा। भाई जाना भी हो चुका है शाम, और शाम के टाइम में जस्ट अभी मैं आया हूँ ऊपर से नीचे, क्योंकि भाई दुकानें बैठे बैठे न जाने हमको क्या हो गया। एक तो भाई इतना पूरा गर्मी से मतलब दम मैं पसीने से भीग चुका था, जस्ट अभी 10 मिनट पहले ऊपर गया, उतने में राहुल का कॉल आया कि नीचे इंतजार कर रहा है लड़का मेरा स्ट्रिंग लेके, भाई वो आदमी आज बुलाया आम देने के लिए। तो अभी राहुल यहाँ आया है, तो मैं इसके साथ जो है ना अभी स्ट्रिंग खत्म करके जा रहा हूँ पीछे आम के बगीचे में, क्योंकि उधर कुछ लड़के जो है मतलब मेरे फ्रेंड ही हैं, तो उन्होंने बताया था कि आओ आम कभी खिलाएंगे, मस्त पेड़ का आम चुरा के खाएंगे। तो अब चुरा के खाए क्या, उसी का पेड़ ही है, तो चुरा के खाओ या तोड़ के खाओ, जो जैसा करना है वैसा करो। और वो लोग थोड़ा क्रिकेट भी खेल ले रहा है, तो सोचा कि चलो चल लेते हैं उसी साइड, थोड़ा क्रिकेट भी खेल लेंगे और आम चुरा के भी खा लेंगे, क्या राहुल मजा आएगा ना। और जहाँ तक रही आज के GoPro की टेस्टिंग के बाद, तो भाई मेमोरी कार्ड हमको मिल नहीं रहा है। मेमोरी कार्ड मेरे पास शायद से 16 या 32 GB कोई पड़ा हुआ जरूर है, टेस्टिंग कर लिया। अब कौन जा रहा है 1900 रुपये का भाई, 128 GB आज मैं चेक कर रहा था तो 1900 बता रहा भाई साहब, मेमोरी कार्ड का रेट इतना बढ़ गया कि अब क्या ही कहना है। तो कोई नहीं, आपको मतलब आज अगर नहीं दे पाया वीडियो में, तो कल तो ज़रूर उस कार्ड मतलब रात में खोज लूँगा मेमोरी कार्ड, और टेस्टिंग करके बतू जरूर बता दूँगा, और कल हो सके तो शायद मैं बाइक पर ही टेस्ट कर लूँ, ज़्यादा बेटर भी रहेगा, क्योंकि मोटो व्लॉग थोड़ा सोच रहे करने के लिए, तो उसी कारण उसको लिए हैं। तो कल बाइक पे टेस्ट कर लेंगे या फिर जैसा होता है वैसे देख लेते हैं, बट अभी तक तो दोपहर तो खोल लिए, मिला नहीं हमको मेमोरी कार्ड, रात में ही शायद मिल जाए, तो रात में फुटेज बनाऊंगा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल ही बनाऊंगा, क्या राहुल। तो चलो पीछे चलते हैं। आगे अच्छे दिलाल, आगे अच्छे दिलाल, आगे अच्छे दिलाल। अरे देखो विकास भी आ रहा है, अरे भाई उसके बिना हम लोग का मौसम जो है ना मतलब एकजुट नहीं हो पाता है, दम अलग अलग रहते हैं, दम स्कूटी लेके उड़ रहा है। देखो वहाँ ठीक दूर से आ रहा है लौंडा, बता उसका इंतजार कर रहे थे और वो दम हिल हिल के आ रहा है, आने दो फिर चलते हैं पीछे। तो गाइस यार ना मैं मैच जो है वो खेल के आ चुका था, और मैच खेल के आने के बाद जो है ना मैंने अपना पूरा रूम ढूंढ लिया, देखो उसमें सारा कपड़ा जो है मतलब बिखरा के रख दिया भाई साहब, अभी तक वो मेमोरी कार्ड जो हमको मिला नहीं, मैच खेलने के बाद भी हम वही ढूंढ रहे थे। तो देखो अब एक जगह, अरे भाई मोटर चालू है, पानी पूरा भर गया नीचे, पहले मोटर बंद करो, मोटर बंद करो, जाने कब से मोटर चालू है, मोटर को लगा के चालू है, जैसे ही पानी गिर रहा है कैसे ये तो देखना पड़ेगा, पानी में तो आ रहा है देखो भर के, बंद हो गया जस्ट अभी शायद बंद हुआ। तो कोई नहीं, मेमोरी कार्ड जो हम ढूंढते ढूंढते थक गए बट मिला नहीं, तो एक जगह और बच चुका है, वो मतलब मेरा ड्रॉअर है जहाँ के फाइल, भाई मैं जो भी कुछ अगर मुझे जो है मतलब अच्छे से रखना होता है मैं अपने फाइल में रख देता हूँ और ड्रॉअर में बंद कर देता हूँ। शायद एक बार उसमें मैंने अभी तक चेक किया है नहीं, क्योंकि उसमें मेरा काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट रखा हुआ है। तो कोई नहीं, अभी चलते हैं रात में डिनर करके उसमें चेक कर लेंगे, क्योंकि भाई से बच चुके हैं 9 और डिनर करने का टाइम हो चुका है। आज खेलने के बाद हम एकदम थक गए, मतलब अच्छा खासा नींद आज रात में जो है ना काफ़ी अच्छा आएगा, और उधर पूरा अंधेरा हो रखा है, अंधेरा कायम रहेगा, तो जो भी हो अंधेरा कायम रहने वाला तो है, रात में अंधेरा है तो कल सुबह ज़रूर होगा। तो फिलहाल चलते हैं डिनर करने, और डिनर करने के बाद मेमोरी कार्ड ढूंढेंगे, मिल गया तो ठीक है, कल एकदम मस्त। कॉलेज भी जाना है क्योंकि प्रकाश का कॉल आया था, तो कल कॉलेज अगर गए
80% चांस तो है कि कॉलेज जाना ही है। अगर कॉलेज गए तो भाई उस मतलब रात में कैसे भी करके मेमोरी कार्ड ढूंढना है और सुबह उसको लगा के कॉलेज जाएंगे, तब फुटेज भी पता चल जाएगा और सीन भी अच्छा खासा है तो पता चल जाएगा कैसा वीडियो आता है कैसा नहीं आता है, और छोटा सा मोटो व्लॉग भी देखने को मिल जाएगा आपको। तो कोई नहीं, चलो चलते हैं डिनर करने वाले, वीडियो करने में तो मिलते हैं अपने वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।